यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभी भी जारी है, जिसके चलते बागपत कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से मेरठ जिले का एक शातिर बदमाश मेहताब घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश पर लूटपाट के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कर दूसरे बदमाश की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, कोतवाली बागपत प्रभारी उमेश रूडिया को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र में सघन चेकिंग कर रही थी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास कांठा गांव के जंगलों की तरफ पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग करते हुए वे दोनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक साथी बदमाश मेहताब घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश मेहताब मेरठ जिले का रहने वाला है और उस पर लूट के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को पिछले काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बगैर नंबर की एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। फिलहाल घायल बदमाश को CAC में भर्ती करवाकर दूसरे बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना बागपत के इंस्पेक्टर को एक मुखबिर के द्वारा सूचना थी कि एक लुटेरा यहाँ पे इधर मूव कर रहा है और संभवतः किसी लूट के फिराक में है। उसकी उस सूचना के आधार पे इन लोगों ने उसके बारे में जहाँ भी उसके संभावित ठिकाने थे, जिस रूट से वो आने वाला था, उधर इन लोगों ने अपनी चेकिंग लगाई। रात करीब 12:30 बजे के आसपास कांठा बंदपुर रोड पर मोड़ के पास एक बाइक आ रही थी, जिसपे आगे कोई नंबर नहीं था। उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो पैशन प्रो गाड़ी थी, जो उस पर एक व्यक्ति था, उसने पुलिस पे ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें उसको वो घायल हुआ। वहाँ पे जब पहुँच करके उसको देखा गया, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको तत्काल CHC भेजा गया और उससे बातचीत के दौरान पता चला कि ये किठौर का रहने वाला है और इसके ऊपर पहले भी दर्जनों मुकदमे हैं और इसमें बाकी इससे पूछताछ की गई है, छानबीन की जा रही है और इसमें जो इसके और भी साथियों का कुछ पता चला है, हम लोग उनके खिलाफ़ भी जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।